पुराने समय से, जब ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधाएं नहीं थी, जब लोग पास के गांव तक जाने से भी हिचकिचाते थे, तब से ये परंपरा रही है कि लोग दूर दूर के मंदिरों तक नंगे पांव जाते थे। हमारी संस्कृति में ये यात्राएं किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए नहीं की जाती थी। पैदल यात्राएं करके लोग अपने अहम की भावना को तोड़ना चाहते थे। उनके लिए यात्राएं एक साधन थी जिससे वो खुद से बहुत बड़ी ऊर्जा को महसूस करते थे। शिवांग साधना के साधक महाशिवरात्रि से पहले 48 दिनों तक उपवास रखते हैं। वे महाशिवरात्रि के दिन वेलिंगरी पर्वत के दर्शन करने जाते हैं। वेलिंगरी पर्वत पर महादेव शिव ने कुछ समय बिताया था और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। साथ ही वे आदि योगी के दर्शन भी करते हैं। भक्त एक मंडल तक व्रत रखते हैं और वे पैदल चलकर बैंगलोर, चेन्नई, नागरकोइल, पोलाची, त्रिची, पलक्कड़ और कोयम्बतूर जैसे स्थानों से आते हैं। वे कई शहर से पैदल चलकर आते हैं और आदि योगी और वेलिंगिरी के स्वामी के दर्शन करते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस यात्रा पर जाऊं। इस बार शिवांग दीक्षा के दौरान सद्गुरु की कृपा से मेरे भीतर वही भावना और ज़्यादा गहरी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मुझे इस पदयात्रा पर जाना चाहिए और मैं आ गया। यहाँ आने के बाद जैसे ही हमने तमिलनाडु में प्रवेश किया, लोग हमें स्वामी कहकर बुलाने लगे और हमारे पैरों में गिरने लगे। ये इतना ज़बरदस्त था कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे मैं कदम आगे बढ़ा रहा था, मेरे अंदर कुछ टूट कर गिर रहा था। मैं जिस चीज को मैं मानता हूं वो टूट रही थी। जब प्रेजेंस टाइम के दौरान हम बैठे, तब हम सड़क के बीचों बीच थे। प्रेजेंस टाइम या उपस्थिति के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने भीतर फूट रहा हूँ। मैंने खुद में इतनी तीव्रता कभी महसूस नहीं की। हमने पोलची में एक मीटिंग की और हमने घोषणा कर दी कि हम पोलची में एक रथ बनाएंगे। हम सब पोलची के लोग मिलकर एक रथ बनाएंगे। हमने ये मीटिंग की तो कई लोगों ने हमसे पूछा कि ये 10 लाख का प्रोजेक्ट है, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। पर मेरे अंदर एक ही भावना थी कि आदि योगी हमारे साथ हैं, चलो चलकर लोगों से मांगते हैं, वे देंगे। तो हमने मांगना शुरू कर दिया। जब हम गए तो ऐसे भी लोग मिले, अगर हम इस उम्मीद में जाते कि वो 100 रुपये देंगे तो वो 10,000 रुपये दे देते थे। ऐसे कई लोगों ने हमारा भरपूर समर्थन किया। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो कम ही देंगे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया। इससे मेरे अंदर की कई रुकावटों को तोड़ने में मदद भी मिली। कुछ जगहों पर जब हम गांव से गुजरते थे तो वहां लोग बस अभिभूत हो जाते थे और फूट फूट कर रोने लगते थे। इस चीज ने हमें बहुत गहराई से छुआ। कभी कभी वो हमें शिव के रूप में देखते थे। कुछ लोग आकर हमें अपनी समस्याओं के बारे में बताते थे। मैं तीसरी बार ये यात्रा कर रहा हूँ। इन 3 वर्षों में हर बार लोग आते थे और बताते थे कि पिछले साल मैंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए और इस साल ऐसा हो गया, और ये कहते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ते थे। रोज हमें यात्रा पूरी करने में रात के 12 बज जाते थे। उसके बाद हम वापस जाकर बचा हुआ काम और साधना करते थे। उन दिनों में दिन में 2 बार साधना कर रहा था। हमारे पास सोने का भी समय नहीं होता था, पर मुझे ये नहीं समझ आता था कि मुझमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आती थी।
रथ के साथ होना एक रोमांटिक एक्सपीरियंस है। ये ऐसा है जैसे एक रोमांटिक एक्सपीरियंस होता है। इस रथ के साथ ऐसा महसूस हुआ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ।